फ्रेंड, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ कबाब शवरमा विद होममेड पीटा ब्रेड, होममेड शवरमा सॉस। आई एम मेकिंग इट इन माई स्टाइल विद वेरी लेस इन्ग्रीडियंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। काइंडली रेसिपी को फॉलो करने के लिए इसे लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक दिस सुपर यम्मी कबाब शवरमा एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कबाब शवरमे के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन किए हैं। यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड बना के रखी है, रेशमी कबाब रेडी किए हैं, मैंने शवरमा सॉस, रायता और सैलड रेडी किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रिपरेशन कैसे किए हैं मैंने। सबसे पहले हम अपने प्रो शवरमे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप्स ऑल पर्पज़ फ्लोर लिए है। आप ऑल पर्पज़ फ्लोर और व्हीट फ्लोर को मिक्स करके भी शवरमा रेडी कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून साल्ट, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 पैकेट यानी 1 टेबलस्पून ड्राई इंग्रेडिएंट ये इंस्टेंट यीस्ट, और यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लुक वार्म वाटर के साथ इसको हम सॉफ्ट डो नीट कर लेंगे। जी 5 to 6 मिनट्स मैंने इसे नीट किए और ये परफेक्टली डन है। ये देखें, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसे किसी ऐसे बॉक्स में जिसे हम कवर कर सकें उसमें रख लेते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हम इस पर ऐड करेंगे ताकि ये जब राइस हो तो अच्छे से सेट हो जाए, किसी ये बॉल के साथ स्टिक ना हो। अब हम इसे कवर करके किचन में ही कहीं रख देते हैं। राइस होने के लिए 1 आवर का हम इसे टाइम देंगे, तो हम इसे कवर करके किचन में ही कहीं पर 1 आवर के लिए रख देते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम अपने प्रो चिकन कबाब रेडी कर लेते हैं। एक बड़ा बॉल ले लिया मैंने, यहाँ पे मेरा फुल बॉल भर के चिकन विंग्स है जिसे मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छे से मैश हो जाए। तो ये देखें, ये परफेक्टली मैश्ड है। इसमें मैंने ऐड करना है 1 बॉल ब्रेड क्रम्स, फ्रेशली ब्रेड क्रम्स है ये। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून होल स्पाइसेस पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास क्यूमिन पाउडर है। ये सारे स्पाइसेस हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 स्मॉल साइज फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 हैंडफुल फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 स्मॉल साइज टमाटो फाइनली चॉप्ड और 1 स्मॉल साइज कैप्सिकम, ये भी हमने फाइनली चॉप्ड यूज़ करने हैं। तो ये सब चीज़ें भी इस टाइम पे हम इधर ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कबाब का मिक्सचर हमारा परफेक्टली रेडी है, तो इसे हम जस्ट लॉन्ग कबाब की शेप में ले आते हैं। कबाब जो है हमारे परफेक्टली शेप में है, तो स्टफ पे मैंने रखा है एक पैन और इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमने अपने कबाब्स जो हैं उन्हें शैलो फ्राई करने हैं, तो हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए हैं हर तरफ से कबाब को फ्राई करने में, और आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल से हमारे जो कबाब हैं परफेक्टली डन हैं। तो इनको हम निकालते हैं प्लेट में अलग से। जी 1 आवर हो गया और हमारा जो डो है परफेक्टली राइस है, तो इसको हम 3 to 4 मिनट्स और हम नीट कर लेंगे।
डो को 5 to 6 मिनट नीट कर लिए। अब हम इसके स्मॉल स्मॉल से बॉल बना लेंगे, टाइट बॉल्स। आफ्टर 5 मिनट्स जो हमारे बॉल्स हैं वो अच्छे से राइज हो चुके हैं, तो वर्किंग सरफेस पे हम फ्लोर डस्ट करेंगे और इनको कवर करके रख देते हैं और इसको हम बेल के स्मॉल सी रोटी बना लेंगे। जी सारी हमने पीटा ब्रेड अपनी रोल करके, ये रोटी से थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, ये इस तरह से हम आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग साइज़ रखें, जितनी बड़ी या जितनी स्मॉल आपको पीटा ब्रेड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने बेल के इसको एक जगह पे रख दिया है। इसको कवर करके जस्ट 5 मिनट का हम टाइम देंगे राइस होने का और उसके बाद इसे कुक करेंगे। आफ्टर 5 मिनट स्टव पे हमने एक पैन रखा है गर्म होने के लिए और हम अपनी जो हमने बेली हुई है पीटा ब्रेड उसको उसमें डालते हैं और दोनों तरफ से हम अच्छे से इसे प्रेस कर करके सेक लेंगे। शॉर्मे के लिए एक यम्मी सा सॉस ऐड कर लेते हैं। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की है, दोबारा आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 बॉल करीब मायो है, होममेड मायो की रेसिपी भी मैं आपको देख चुकी हूँ। ये हम इधर डालेंगे, इसके साथ ही 1/2 बॉल हम टमाटो केचप डालेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून साल्ट, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर और 1 टेबलस्पून गार्लिक है जिसे चॉप किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम इधर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली डन, तो चलें अपने शवारमा को, कबाब शवारमा को देसी टच के साथ असेंबल करते हैं। देन हमने ये मिंट रायता ऐड करना है, इट्स टोटली ऑप्शनल, यू कैन स्किप इट। मैंने जस्ट इसमें मिंट, योगर्ट में मिंट और ग्रीन चिलीज को जस्ट मिक्स करके ग्राइंड कर लिए। तो जी फ्रेंड, हमारा कबाब शवारमा इज़ परफेक्टली डन विद होममेड पीटा ब्रेड और शवारमा सॉस। इट्स अ मस्ट रेसिपी, ट्राई इट। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।